मैं कुछ चीज़ें खुल के नहीं बोलना चाहता, बट कुछ लोग हैं जो कि फैमिली के नहीं होते बट फैमिली मैटर में जरूर घुसते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसकी सासू माँ को गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, एक जेल में उठ जाएगा ना, बाकी सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकनीत व्लॉग। देखो ओए, अपने देवर को देखो कैसे मारे। नहीं, गलत बात। ये क्या कर रही है भाई तू? ये बचाने वाले पहले फिरते। तो ये पुनीत आज अपनी गलती की भरपाई करने की कोशिश करेगा, चलो देखते लगा पाएगा या नहीं। झुक। पुनीत, अगर तू उसको बुला लाता तो तेरे को मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये वो ही तो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों इतने तो किसी के भाव नहीं बढ़ रहे जितने उसके बढ़ रहे हैं। अब तू खुद लगा लेगा इसको? हां, लगता नहीं है मुझे। मैंने YouTube पे वीडियो देखी थी भाई, सच में YouTube पे हर एक चीज सिखाई जाती है। ये देखो, बंदा प्लम्बर बन गया हमारा पुनीत। बनने के आया था यहाँ पे, बन के आ गया। बुआ जी देख के देखो मुझे डांटेंगी। अरे तू तो यूं क्या गया, ये एडिटिंग करा करेगा, क्या करा रहा है बेटा, क्या हो गया? ओ अच्छा, ये गिर गया अभी, ये देखो कहीं का है क्रैक। देखो यहाँ के इसके साइड साइड में देखो, इधर की साइड टांगा होगा ना तब गिरा होगा ये। भाई लीक वो हो रहा है और हमने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, बट कोई नहीं, उसको मत बताइयो, कहेगा बड़े पागल लोग हैं। तभी तो नहीं लग रहा, ये उसने तीन चार बार तो पाइप चेंज करके दे दी। ये सुहाना मौसम आज या कल में, मतलब आज तो नहीं, आज तो ऑब्वियसली अभी वाला व्लॉग देख रहे हो, एक दो दिन के अंदर ना एक ऐसा व्लॉग आएगा जो देख के ना आप लोग हिल जाओगे। मतलब आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, शायद ऐसा कभी आज तक हुआ भी नहीं है। मतलब आप बस मेरी ये वाली बात याद रखना, आपको मजा आएगा देख के। छोटे का हीरो है, ये नीतू के कपड़े हैं सारे। तू कितनी भोली है यार, वो रूम तो तूने मेरे लिए खाली करा दिया था, उसमें तेरे कपड़े कैसे हैं सारे? अब कौन सा रूम? वही वाला, उधर वाला, ये साइड वाला, उसमें तो मेरे कपड़े तो हैं। वो तो गेमिंग रूम बनाया था हमने, तो कपड़े तो हैं, अलमारी के अंदर चले जाएंगे। उन्हें इस रूम में क्या डिसाइड हुआ था हमारे, इस व्हाइट वाले रूम में गेम खेला जाएगा। अच्छा, आ दिखाऊं तेरे को गेम क्या खेला जा रहा है। कपड़ों में ये गेम खेला जा रहा है, ये देखो प्लेयर, ये प्लेयर है। उन्हें बेचारा उससे लड़के आया कल, यहाँ पता चला गलती हमारी है, गलती हमारी खोट हम में ही, और हम दुनिया से लड़ रहे हैं। बस वो व्लॉग में देखे हमारा, हाँ। तो गाली बहुत। आई लव यू। ठीक है, यहाँ का अगर आप लोग गुची को प्यार करते हो तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दो, ये लाइक होगा गुची के लिए। देखो उठ गया ना एकदम से, यस यस, करा दी करा, देख रहा दिखा, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। कहाँ जा रहा है? काना के स्कूल में उसकी टीसी जमा करने, टीसी जमा करने और थोड़ा सा उसका होमवर्क लेने के लिए। भाई इसने बोला कि मैं काना के स्कूल में जा रहा हूँ काम करने, मैं तो डर गया, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हमने एक बार काम करा था अपने स्कूल में, बम फोड़ा था, फिर हम भी फूटे थे अगले कई दिन। निर्मला में, डीपीएस में, निर्मला में, पर एक तो ऐसा था किसी ने भी एक दूसरे का नाम नहीं लिया था, पूरी पूरी क्लास खड़ी रहती थी, दो दो तीन तीन पीरियड, और हम खुश इसलिए कि पढ़ाई नहीं हो रही। जब 9th 10th पहुंच जाते तब तो सब साथ देते हैं, और जब 3rd 4th में मैम बता देते हैं चुपचाप, कोई से जाके कान में बता के आ जाएगा। तो आप लोग मुझे ये बताना कि आपकी स्कूल लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको बड़ा फनी याद हो, कमेंट में एक बार जरूर बताना, मैं पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग सब रिलेट कर सकते हैं उस चीज से। भाई दिखाइयो, काना की मैम का नंबर सेव कर रखा है नीतू ने, काना मॉम। हाँ भाई, लेकिन टीचर भी तो माई होती है। गाइस आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक मिनट सबको खुशखबरी देता हूँ बुला के। अरे तुषार, रोहित, नीतू, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। एक्चुअली हमारी टीम में क्या होता है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है सब लोग मिलकर तालियां बजाते हैं, ठीक है? आज सब लोग तालियां बजाते हैं। क्या आप लोगों को पता ताले क्यों बजा रहे हो? मुझे तो पता, काना का क्लास टेस्ट हुआ है भाई, 10 में से 10 नंबर। या नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वैसे ही लगा। टेस्ट आप ले लो जो हुआ भाई, मुझे इसलिए तो चंबे में हो क्योंकि रात में इसका टेस्ट है। मैंने झूठ तो नहीं रही, मुझे भेजा ना सब कुछ, मैंने कॉपी भेजी है। 10 में से 10 भाई, काना बता तेरे को क्या चाहिए? कुछ भी देगा। अब कुछ भी तो क्या, मैं तेरे लिए एक चम्मच ले आऊंगा, जल्दी बता क्या क्या करें आज, हम खेलें क्या करें ये बता, मूवी देखें क्या करें, क्या खेलें? तो हमारा लंच लग चुका है, आज है मटर पनीर मिक्स वेज, आई मीन, और ये मटर पनीर बनाया क्योंकि काफी दिनों से मटर पनीर नहीं खा रहा, रायता चावल काफी सारी चीजें, आई नो थोड़ी सी टेम्पटिंग है लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद खाना नसीब अब हो रहा है। सबसे पहले काना को खाना दिया जाता है यहाँ पर, फिर उसके बाद घर में कोई और खाता है, मतलब और मतलब भाभी खाती हैं, फिर भैया खाते हैं, फिर मैं, बाकी सब। भैया तो खा के बैठे हैं, बात पूरी, फिर बाकी सब। अच्छा। और अगर बचा थोड़ा बहुत खाना तो बाकी तो मैं किसी के लिए कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। काना
काना क्या कह रहा था, कितना खाएगा? नेक नेक। काना मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है, काना ना अपनी देसी लैंग्वेज यूज करता है। काना को कुछ पूछो कहेगा नेक देर बाद खेलूंगा, नेक सा खा लूंगा। मुझे सब अपनी बाऊजी वाली बात याद है, बाऊजी लैंग्वेज यही वाली यूज करते थे ना। गाइस यहां पर मुझे पार्सल मिला जिसके अंदर निकले चार चार परफ्यूम। ओ हो 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 भाई, मिलेगा सबको मिलेगा, टेंशन मत ले, टेंशन नॉट। एक्चुअली ये हमारे राजवीर भाई है ना, उनका ब्रांड है देसी गबरू, तो उन्होंने चार परफ्यूम भेजे। वैसे बोलते हैं कि दोस्तों में परफ्यूम नहीं देना चाहिए, बट मैं तो खुद देता हूँ, मैं किसी को क्या बोलूँ। तो राजवीर भाई आते, देखो ये बट गए, एक तुषार ने ले लिया, एक पुनित ने ले लिया, एक मैंने, एक रोहित ने। सैंडी भाई आज है नहीं, हो गए हुए रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवाने, तो उनका लॉस हो गया, बट चारों बट गए आपस में। ठीक है, कौन कौन सा किसको लेना है वो देख लो, आप दे दो मेरे कोई भी दे दो। नहीं नहीं भाई देखो सुनो, ऐसा हम चारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आंख बंद करके इनको शफल करेंगे, जिसके हाथ में जो आएगा वो ले लेगा। ओके, अबे क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो तुम, जानवर की तरह क्यों लड़ते हो? रोहित को मत बताना कि रोहित करेगा। ठीक है, चलो मैं तो तुम्हें दे दूंगा लाइट। अरे यार रोहित तो आया ही नहीं अंदर, वैसे भी यूज नहीं करते हो तुम। क्यों नहाता नहीं, ये तो नहाता होगा ना डेली, ये अंदर जाकर हाथ मुंह धोता है। तो रोहित को नहीं दोगे तुम? एक भैया रोहित ऐसे इस टाइम भी ना गर्म पानी से नहा लेता है। रोहित नहीं, अब कब रहा है चाहिए तुमको? पर सैंडी हो। ठीक है लो पकड़ो पकड़ो चलो, वरना अन्याय हो जाएगा ना, कोई गाएगा। ये भाई अभी सील पैक है, तो किसी ने कोई भी ट्राई नहीं किया। आप नाम लेके निकाल देना कोई सा, नहीं ऐसे मैंने, मैं सफल कर रहा हूँ भाई। एक दो तीन, जो जिस पे आ जाएगा वो उसका। ठीक है तुषार का ये, ठीक है ले रोहित सबसे पहले तू ले भाई, बीच वाला ये रहा तेरा, कौन सा था ये? नाइट शेड, ये तेरा और ये तुषार का, ले भाई तुषार। सबसे अच्छा वाला तेरे पास आया वैसे, पैकेजिंग से ना ये मुझे कूल टाइप का लग रहा है बहुत। ताना मैं कह रहा था बेटा लाइट बंद कर दे, ये वाली, ये देखी वाली जो जल रही है ना, हाँ ये नीतू भाभी का है तेरी, अंदर गेम खेल रही है। लॉक है लॉक। गाइस पुनित जैसे चालाक लोग भी दुनिया में हैं, मुझे ऐसा लगता है गेमिंग सेटअप ना तूने अपने लिए लगवाया है। नहीं अच्छा लग रहा तेरे को, मजा आता है गेम खेलने में? सही सही से ड्राइव कर, असली में भी ऐसी करता है वैसे तू। देख नहीं तू क्या कूल चीज़ है मेरे पास पूनम, देखो ये क्या पता है ये कवर है, और साथ में देखो ये इसके अंदर पावर बैंक भी है, तो अपना फोन, हाँ मतलब अपना फोन इसके अंदर डाला मैंने, फोन को भी प्रोटेक्ट करेगा गिरने से, और देखो फोन चार्ज हो रहा है ना, अब इसको चार्ज भी करता रहेगा, मतलब डबल बैटरी होगी मेरे फोन की। दूसरा फोन भी चार्ज हो सकता है? पावर, अबे कर दी ना पागल वाली बात। यार ऐसा होता तो फिर ज्यादा मजा आता। नहीं 15 प्रो मैक्स का ये, एक मेरे पास ये है और एक दूसरा कलर यूएस से लाए थे, एक पर्पल कलर है नीतू के पास है, कहा है नीतू वो कलर दूसरा, देख इसमें रखा है, इसमें रखा ड्रॉर में, निकाल काना निकाली बेटा। तो फिर मतलब जैसे अगर मैं चार्जिंग फुल होगी तो अपने आप ऑफ हो जाएगा? हाँ इसका इसके अंदर है ना चार्जिंग, ये रहा पॉइंट भी है ना, हाँ हाँ ऑफ कर दे तो वो चार्ज करना बंद कर देगा उसको। ये बेटा जो रखा हुआ था ऊपर, समझी? तो अब डबल बैटरी होगी मतलब मेरे फोन की, है ना गाइस कूल गैजेट। अगर आप आपके पास ये कवर है तो आपको पावर बैंक की जरूरत नहीं है, और आपके फोन की बैटरी डबल हो जाएगी, तो ट्रैवल के टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ है ये, वैसे भी अच्छी चीज़ है क्योंकि अब देखो ये प्रोटेक्शन भी अच्छा है इसका। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आज इस पर ध्यान दिया क्योंकि यूएस से लाके तब से रखा हुआ था, अच्छी चीज़ है। मुझे दे दो क्या अपना वाला, मुझे दे दो अपना वाला, तुझे दे दो तेरा वाले देता हूँ ना। हाँ देखा टाना ने निकाल दिया तुरंत, ये ले पर्पल कलर तू लाई थी क्योंकि तेरा पर्पल आईफोन है, लगा ले इसको। गाइस हमारे घर में आज नीतू की बेइज्जती होगी बहुत बड़ी वाली, अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली नीतू को बड़ा घमंड है ना उसके टैडी के ऊपर, जिसके पीछे पीछे घूमता रहता है, गुच्ची को करके दिखा, ये देखो गुच्ची को ना बिल्कुल नहीं पसंद, उसके कान में कोई दवाई डाले, पकड़ना आज अब इसका इलाज मैं करूंगा। ए या हां क्या है, छोड़ दे, हां क्या हो गया, क्या हो गया बेटी, क्या हट जा यहां से यार, तुझे देख के मुझे काट लेगा। क्या हो गया, अब कर, क्या हो गया, क्या है इसमें ऐसा, क्यों नहीं डलवाता कान में, तेरे भले के लिए कर रहे हैं ना हम सब, लाओ डलवाओ, लाओ कान दिखाओ, लाओ बोल, तुम्हारी हिम्मत ना, ये नहीं तो आधा घर से तू अलग बैठ जा, बस देख देख, क्या है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मारेगा, काटेगा, ले काट 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 काट, तू यहाँ दे दे, यहाँ कर दे, मैं जाते लग रहा हूँ काटने के बारे में, नहीं तो पागल है, नहीं काट रहा है मुझे, है पापा को काट रहा है, पापा को तेरे कान में दवाई डाल दूँ तो तू मुझे काटेगा, काटेगा तू पापा को, क्यों काटेगा तेरे कान में दवाई डाल दो, इसलिए क्यों डाल दो बाबू, ये रुचि कान में डालेगी, रुचि कहाँ भाग रहा है, हो गई सिर्फ जो ही डलवाता है, ये
कैमरामैन को ना काट ले, कैमरामैन को। अभी ना मैं वहाँ से आया तो ना उसके नीचे बैठा टेबल के नीचे ऐसे देख रहा मेरे को, तो मतलब ऐसे उदास, मतलब मुझे दिखा रहा है कि मैं उदास हूँ, मेरे साथ क्यों करा। सॉरी बोलो, कान में तो डाला ही नहीं कुछ, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, सॉरी माफ कर दो। ठीक है कर दो, ओके। और पापा को किस करके माफ करेगा? अब पापा और ढूंची जब घूमने जाएंगे ना तब गाड़ी में? हाँ गाड़ी में, इसको उसी गाड़ी में मजा आता, रेड वाली में। अच्छा थार में ऐसे बैठ जाएगा? नहीं ये तो और थार में नहीं, BMW गुची है वो। चलो चलो गुची, चलो चलो आ मम्मा के पास आ दो, देखते मेरे पास आता नहीं आता, आ दो मम्मा। क्या कर रहा है? 16 किलो हो गया मेरा, इतना सा बेटा आया था, इतना बड़ा हो गया आज। हाँ अरे अभी भी देख कैसा क्यूट मुंह रहा है। कहाँ ये भाभी ने दिया मेरे लिए, अब मैं खेला करूंगा इनसे। अबे यार छोड़ दो यार, तुम भाई अभी भाई छोड़ दो ये शौक, मेरा बचपन घूमे तुम ऐसे। हाँ देखो ये ऐसे, ये भाई बोल से याद आया कुछ? हाँ एक एक रुपए की आ गई ना, पूरी रात पानी में भिगो, मछली मेंढक वेंढक सब आवे। यार ये कोना इतना अच्छा लगता है ना व्लॉगिंग के लिए मुझे, तो बात ऐसी है कि मम्मी का थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, वैसे तो मैं जाऊंगा तो हेडेक उनका बढ़ेगा क्योंकि मैं उन्हें मतलब परेशान से करता रहता हूँ, बट जाकर ना थोड़ी सी हेड मसाज कराता हूँ मम्मी की, क्योंकि मैं अच्छी करना जानता हूँ। लेट्स गो। अरे भाई अंधेरे में रहो इसलिए सिर दर्द हो आपको, अंधकार से निकालने आया हूँ मैं आपको, ओके? दिखाओ आग, दिखाओ आग, मैं देखूँ सिर दर्द। अरे रुको तो सही, ए फाड़ा है? अरे नहीं फाड़ा है। फिर ये क्या कर रहा? रुको क्यों करो? अरे मैं बता रहा हूँ एक मिनट, आ करो मैं बता रहा हूँ। हाँ डंडी ले रही हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों आपकी तबीयत खराब हुई। लाओ आ करो, अरे आ करो, ब्रश नहीं करा आपने है ना, इसलिए हुई है। दिखाओ जीभ, जीभ तो निकालो, जीभ व्हाइट जीभ हो रही है, उन्होंने ब्रश नहीं करा। मेरी तो नाराजी व्हाइट, आपने निकाल और मैं निकाल, निकाल आपने निकाल पूरी निकाल। देखिए पीली हो रही है जीभ भी, जीभ पीली होती है। रोटी भी ना खा, रोटी खा के रोटी सी लग रही है जीभ पे। रोटी नहीं खाई मैं, चाय पी खाई जो भी है। सिद्धर सही हो गया ना? हट भी झट, मैंने क्या बताया था आपको कि मैं 2 मिनट में इनका सिर दर्द ठीक कर सकता हूं। मिनट की बात है जीभ, क्योंकि इनका सिर दर्द ही मैं हूं। तू ही तो सिर दर्द है। देखो ऐसी मत करिए, आपने आपने ये कहावत सुनी होगी, हीरे को हीरा काटता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है, और क्या है ऐसे ही कुछ है ना, जहर को जहर काटता है, ऐसे ही सिर दर्द को सिर दर्द ही काट सकता है। तो इनके सिर दर्द को मैं ही मिटा सकता हूँ क्योंकि मैं इनका दूसरा सिर दर्द हूँ। सही बात है गलत बात है, जल्दी बताओ। सही बात है, पूरा सिर दर्द है तो ठीक है। तो ये छोटे मोटे सिर दर्द है, मैं मम्मी के देखो पहले तो यहाँ थोड़ी सी मसाज करूंगा, फिर मैं मम्मी के लिए खुद से चाय बनाऊंगा। ठीक है जा कर इन कामों को। क्या तो सिर तो दबा ये ढंग से कर, बैठ के पीछे बैठ जाए घंटे के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्होंने बोला है ढंग से बैठ जाए घंटे के लिए, बैठ जा ठीक है, याद रखना। मालिश करते हुए ये नहीं बोला ना आपने? मैं यूं कर रही हूं, मालिश करता मैं यूं कर रही हूं। चप्पल मांग रही हूं, कहां जा रही हो सिर दर्द में? यहीं बैठो, अरे यहीं बैठो कहीं मत जाओ, चप्पल उप्पल मत लो अभी, इसके भी बजाऊं थोड़े पर। जितना भी अगर आवो सबके सामने मुस्कुराती क्या ये फोन मेरा ही है? ये पता कैसा चार्जर है? हाँ। ये कवर भी है और ये फोन भी, ये बैटरी है इसके अंदर, पावर बैंक भी इसी के अंदर है, इसे दबाऊंगा तो चार्ज करने लगेगा। अब फोन में डबल बैटरी होगी मेरे में। तो ऐसा ही लिया अपने पापा को? पापा कौन सा प्रो मैक्स है? हाँ। 15 ले लो, निकाल लो, ये US से लाया, अब यहाँ तो मिलेंगे। क्या निकाल लो? कवर निकाल लो, पूरा फोन ले आ, मैंने पापा के लिए नया पूरा फोन लेकर आया, ऐसे ही बैटरी के साथ। मतलब कवर, कवर देखा मैं, कवर देख के इंसान कवर ही तो मंगाएगा, कवर देख के फोन मंगाएगा इंसान? हाँ एक फोन खराब से हो रहा उनका, एक फोन लेकर। मतलब ये पता कैसी बात हो गई? अरे लकी ये कौन सी कलर की गाड़ी है? मैं कहूँ रेड कलर की। हाँ चल ठीक है, ये गाड़ी लिया तो क्या बात है, लेके ना आएगा। सिर दर्द इनका सही हो गया, वैसे मुझे अंदाजा हो गया पूरा। सिर दर्द हो गया तो फोन लेकर, अभी उल्टा मुझे सिर दर्द दे रही है। अभी ये बताओ इसमें कलर कौन कौन से हैं? इसमें यही कलर जो है रेड ही, रेड कलर नहीं है, रेड कवर है, रेड कवर है। हाँ। नहीं कलर भी इसमें भी तो होंगे, इसमें नहीं आता रेड, रेड और पापा पर रेड अच्छा लगेगा, रेड और पिंक कलर पापा का अच्छे लगेंगे। मुझ पर अच्छा लगेगा जब मैंने ले लिया। 4 iPhone है पर 4 कुछ बांट दो, मैं तो भी कर दो, मैं 20 भी लूंगी, तू ये ले जा चल मेरे लिए। भाई इनका सीधा सही हो गया, सॉरी ठीक है बाय बाय बाय। तो आपको चाय तू ये ले जा, आज मैं अपने हाथों की चाय बना खिलाऊं पिलाऊंगा आपको ठीक है। हाँ। अंडे वाली चाय पिएगा? चाय मत बना तू, बस सिर यही मसाज कर दे। बताओ अंडे वाली चाय पिए? मैंने अभी पिए अंडे वाली चाय, आमलेट वाली पिए मैंने तो, आमलेट घोल के उसमें। अच्छा आलू वाली? हाँ नीतू ने बना के दी मुझे आलू की चाय, आलू की चाय।
इंडिया में क्या है ना, अगर पति को किलसाना है उसकी पति पत्नी के ऊपर कुछ बात रख के बोल दो। और ये चीज़ मम्मी नहीं, ये चीज़ बाबूजी भी करते थे। जैसे पापा को कोई बात हो गई ना, हाँ ये पूनम की है सीधा बोल देते थे बाबूजी। तो वही चीज़ सीखी है ना उन्होंने। तो चाय वाला प्लान कैंसिल कर लिया बिकॉज मम्मी को जो सिर दर्द हो रहा है ना वो गैस की वजह से हो रहा है, और जब गैस वैस बनती है तो चाय अवॉइड करनी चाहिए। गाइस आज ना हमारे घर पे कुछ बच्चे आए हैं बाहर मिलने, काना से मिलने के लिए आए हैं, छोटे छोटे बेबी। काना के दोस्त बन जाएंगे। हेलो, हाय काना, हेलो बोलो दीदी को। पूछो कैसे हो आप। अच्छा आप कैसे हो। हाँ ये हमारे मामा की बेटी है। अच्छा तो बहुत क्यूट सी है, बहुत ही जेरी ठीक है। जेरी मैं सिर्फ डॉग को हमेशा जेरी बोलती, पता नहीं क्यों मैं जेरी जेरी बोलती, बट जेरी नाम है। राइट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो हमारे पड़ोसी है। और आप लोग सब कहाँ से हो। ये हमारी कजन है। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ। चलो आप सब किसी चॉकलेट सौंपता है। अपना अपना नाम बताओ सबको। शिवी। शिवी और आपका। कनक। थैंक यू रुद्राक्ष। और आपका शौर्य। शौर्य आपका। अरे इसका बहुत हैप्पी है आप सभी से मिलके। इसको बुला लिया करो ऊपर, ठीक है। स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद बुला लिया करो, वो भी तो स्कूल जाते हैं। इनका हैरी है ऊपर, तो हैरी इधर से भौंकता है और हमारा ब्राउनी इधर से भौंकता है, तो दोनों की लड़ाई चलती है सुबह सुबह। 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे तक चलती है फिर उनकी लड़ाई, है ना। अच्छा ये तो स्कूल होता है, इनको क्या पता, आपको भी नहीं पता होगा। कल तो आपको ऑफ होगा सबका, स्कूल का छुट्टा रहे तुम लोग। ओह कौन से गाने पर। गाना नहीं अभी, अभी कुछ कोई और क्लास का होगा उसके बाद हमारा होगा। उसने क्या बोला है कि सैंडी भाई वास्ते तुम लोगों को सलमान खान देगा। सब पीए से दोस्ती नहीं है सलो सैंडी भैया की। सलमान खान शाहरुख खान गाना डे नहीं देखता सलमान खान। आपको देखना किसी को उसका सच में वीडियो कॉल पे कभी कभी सलमान खान को गाना बताएगा कि देख गाना। कितनी बार सलमान खान देखा आपने। चार बार। तो मैं इसको कह रही हूँ ये ऊपर है, देख काना के साथ खेलने आ जाया करो। हाँ यार काना हमारा खेल नहीं पाता बेचारा, मुंबई में अपने बाल ठीक करा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। हेलो भाई, वी आर मिसिंग यू सो मच, जल्दी से आ जाओ। बेटा मैं कल कोलकाता जाऊंगा। अच्छा अच्छा जल्दी आओ जल्दी। फिर वापस मुंबई आना, फिर आऊंगा मैं, रायपुर होता हुआ तब घर आऊंगा बेटा। ठीक है जल्दी आओ, हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है अब। और क्या हो रहा बेटे। कुछ भी नहीं भाई, बैठे हुए तभी इधर ही। काना से मिलने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं। काना से मिलने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं। और ठीक हो आप। हाँ बेटा अब हो गया तबीयत। जल्दी आ जाओ, हम मिस कर रहे हैं आपको। इसमें हम पाई को बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट। हमने 2 दिन बाद आएंगे पाई। अबे सबने ले लिया। अबे देख लेते लेते हट गए। मैं दूंगा तो देख, तो देने की देखा तू डराता है। तो अभी यहाँ पर काना से पूछा कि काना आपको लखन भैया और नीतू भाभी में कौन अच्छी लगती है। तो एज एक्सपेक्टेड काना ने बोला नीतू भाभी। ये मेरी मेरा भाई है वैसे तो, ना नीतू को बाद में जानता है, मुझे पहले जानता है, लेकिन जो टीम बदल दी अपनी पूरी तरीके से, है ना काना। हाँ भी कह रहा है। अब उसमें डर भी निकल गया वाला कि भैया को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, जो है वो है क्या। नहीं चल ठीक है भाई। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपने परसों लाइव में ऑलरेडी देखा कि मैंने आके कुछ चीज़ें बताई जो कि अभी तक नहीं पता थी। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था सपना के लिए, वहाँ बोला भी था कि टाइम के साथ बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं कुछ चीज़ें खुल के नहीं बोलना चाहता था, बट कुछ लोग हैं जो कि फैमिली के नहीं होते बट फैमिली मैटर में ज़रूर घुसते हैं, और मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट किया था कि यार किसी का फैमिली का मैटर, आप किसी की भी साइड लेके किसी दूसरे को गाली बक रहे हो। कई बार तो दोनों को गालियाँ बक रहे हो, सपना को भी गाली बक रहे हो, उसके इन लॉज को भी गाली बक रहे हो, ये कोई सेंस नहीं बनता। बट मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे कि सो एंड सो कुछ लोग हैं जो लाइव आके 3-3, 4-4 घंटे लाइव रहते हैं यूट्यूब पे और सिर्फ वो गालियाँ बक रहे हैं वहाँ जाके। उसके लिए मैं लाइव भी गया था कल रात। बट मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहूँगा, आप लोग मुझे दिखाते हो कि देखो भैया ये जाके गाली बक रहा है, वो कर रहा है। देखो एक बात ये है कि आप भी एक्शन ले सकते हो, आप भी एटलीस्ट रिपोर्ट कर सकते हो यूट्यूब को। कोई भी ऐसी गंदी लाइव बना रहा है किसी लड़की के लिए, उसको थ्रेट देते हैं सपना को ना, उनका चैनल भी डाउन हो जाएगा अगर आप ऐसे रिपोर्ट करते हो तो, कि हम ऐसे मरवा देंगे इसको, ये कर देंगे। भाई इतना आसान है क्या मरवाना किसी को। मतलब मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है मेरे पे जो बनेगा मैं वो करूंगा। सपना को मैंने बोल दिया कि इस बार बिल्कुल भी लाइटली ना ले, जो भी ये उसके परिवार के बारे में गंद फैलाते हैं ना, चाहे उसके लिए चाहे उसके इन लॉज के लिए। भाई तो घर की बात एक दिन सॉल्व हो जाएगी, मैं तो यही चाहूंगा कि मतलब सब चीज़ ठीक
हो जाए, मतलब घर में या लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, सब घरों में होते हैं ना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, बट गंद फैला रहे हैं भाई वहाँ पे जाके, उसकी सासू माँ को गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। मैंने सपना को बोला है बस सीधा पुलिस एक्शन ले, एक कंप्लेन कर देना, क्योंकि एक जेल में उठ जाएगा ना बाकी सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। और मैं आप लोगों से कहूँगी, आपको कोई भी ऐसी वीडियो देखते ठीक है आप मेरे को लिंक भेजो, बट उससे पहले आप उस वीडियो को रिपोर्ट करो, डिसलाइक करो, और उस वीडियो के बीच में आप भी स्टैंड लो यार। भाई देखो, मैं अगर बहन सपना को मानता हूँ, आप भी तो कुछ ना कुछ मानते हो ना, और जब उनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई सेफ नहीं है भाई इंटरनेट पे। अभी मैंने देखा कोलकाता में केस हुआ, तो भाई कैसे लोग वहां जाके आउटरेज आया लोगों का, जो कि बहुत हद तक ठीक है, बट जब किसी के साथ हो रहा होता है ना, हम एक पॉइंट का वेट करते हैं कुछ गलत हो जाएगा तभी हम बोलेंगे। भाई अभी भी गलत होना स्टार्ट हो गया है उस फैमिली के साथ, उस फैमिली को थोड़ा शांति दो यार, उसको हल्का सा फ्री छोड़ दो, वो लोग ठीक है अपनी जो भी चीज़ें उनकी चल रही हैं सॉर्ट कर ले। मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब एक हैप्पीनेस फैमिली में आ जाए वापस। ये यार किसी को भी तुड़वाने का काम मत करो, देखो कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने बहुत बार देखा है दूसरों की फैमिली तुड़वाने के चक्कर में अपनी टूट जाती है, कई बार कोई घूम के आती है ये वाली चीज़ है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उन लोगों को, मतलब मुझे पता है ऑडियंस तो बहुत अच्छी है, बट ये उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है जो सिर्फ व्यूज़ के लिए आज की डेट में वीडियोज़ बना रहे हैं, सपना ये सपना वो सपना की सासू माँ ये वो, भाई क्यों तुम गाली गलौज कर रहे हो आके उनका। वो ठीक है, वो आज एक बुरे टाइम से निकल रहे हैं, हर एक फैमिली में ऐसा टाइम आता है, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। बाकी नेगेटिव जितने भी लोग हो रहे हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, उनको रिपोर्ट कर सकते हो, उनके चैनल को बंद करवा सकते हो, तो करो यार प्लीज, उनको सपोर्ट की जरूरत है और आपकी प्यार की जरूरत है। और कुछ लोग तो ऐसे बोले कि सपना ने ये कर दिया, सपना ने वो कर दिया, भाई मैं जब सपना के घर गया हूँ ना तब तक भी, मतलब आपने तो वीडियो में देखा सपना इतनी तारीफ करती है अपनी सासू माँ की, अभी तक भी, मतलब मैंने तो वीडियो देखा और अपने मतलब हस्बैंड्स की इतनी तारीफ करती है, हर टाइम वो तारीफ करती है, आज तक मैंने उनके मुंह से अभी तक अभी मेरी बात हो रही है उनसे तो वो नहीं बोलती कुछ भी, होता है यार लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, मतलब यार ये चीज बहुत गलत है। जो भी अभी मैं वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ ना, हमें भी नहीं पता था जब तक हम आ नहीं गए, वीडियो नहीं देखी कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, बस देखो एक समझदार आदमी क्या करेगा ना यहाँ पे, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रे करो, प्रे फॉर सपना, प्रे फॉर हर फैमिली, हर इन लॉज, जितने भी लोग हैं, कि यार सब चीज़ें ठीक हो जाए, बस हमें वो ट्रॉमा नहीं चाहिए। सपना के पास दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हम चाहते हैं उनको उस स्ट्रेस से ना जाना पड़े, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग ना प्रे करना कि चीज़ें ठीक हो जाए। भाई देखो वो कहाँ रह रही है कहाँ नहीं है ना, मतलब क्या चीज़ें हैं वो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें ना, मैं भी ना करूँ, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल उनकी फैमिली उनके डिसीजन होंगे, बट आप लोग प्रे करो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मतलब वो लोग शांति से रहें, मतलब चाहे उसके इन-लॉज भी चाहे सपना भी, बस आप प्रे करो यार कि एक परिवार पे बुरा टाइम आया है, आपने देखा पिछले कितने टाइम से सफ़र कर रही है सपना को, तो भाई मुझे रोना आता सपना की हालत देख के ना, बट मुझे ये लगता है कि भगवान जितने आज उसको दुख दे रहे हो ना उतनी खुशियाँ ज़रूर देना, मेरे हिस्से की एक दो कम कर लेना उसको ज़रूर देना भाई। हाँ बहुत खुश, उनकी बेटी को उनको इतनी खुशी देना कि वो सारे दुख अपने भूल जाएं। और मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रे करना कि यार चीज़ ठीक हो जाए, और कोई भी ऐसी आपको वीडियो बनती दिखती है आपको पता है आपको क्या करना है। ओके थैंक यू गाइस, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। दूसरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली हम यहाँ पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, और आपसे मिलते रहते हैं नए नए टॉपिक्स के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, वी लव यू ऑल।